After making her mark internationally, now I would really like to know about the Kalpana Chawla more as a girl than as the mega icon. We already know about her, you know, you've just probably seen a lot about her professional journey. Let's know a little more about her personal journey, because I was pretty intrigued when I got to know a few facts about her life, and I would really like someone who has identified her talent, nurtured her knowingly or unknowingly, and made her the Kalpana Chawla that we really know. Let's welcome her father, Mr. P.L. Chawla, and really have you on. So, how cute, he's wearing a NASA blue. This is so Indian. कैसे हैं आप सर? अच्छा चलो आपको एक छोटी सी जर्नी आपकी जो मैं शायद ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ लोगों को. आप पाकिस्तान से आए थे सर पार्टीशन के बाद, और शायद आप काफी लोगों को पता नहीं है कि आपने पूरी जिंदगी अपनी एकदम स्क्रैच से, इसको बोलते ना एकदम जीरो से स्टार्ट करी, पूरी बनाई आपने अपने आप. 1960s में जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड जो है ना, लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते थे हरियाणा पंजाब के इलाकों में, वहाँ पे आपकी बेटी हुई. जब वो पैदा हुई आपको कैसा लगा? आप क्या आप चाहते थे आपकी बेटी हो? हम तो चाहते थे बच्चा हो. भगवान ने वो बेटी दी तो मुझे खुशी हुई कि ये मेरा हौसला और बढ़ाएगी. बेटे की बजाय बेटी ज़्यादा बाप के माँ बाप के नज़दीक रहती है हमेशा, ये मुझे पहले ही पता था. तो हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, और हमने जैसे नॉर्मल लाइफ थी उसमें से थोड़ा सा और स्पेशल लाइफ में. और वो जब छोटे होते ही उसने स्पेस शिप्स काफ़ी बनानी शुरू कर दी थी अपनी दोस्त के साथ बनके, जो कि बहुत अनयूजुअल लगा होगा आपको कि इतनी छोटी सी लड़की. तीन साल की थी जब पहली बार उसने जहाज देखा था. हाँ. और उड़ते हुए जहाज को देखकर उसने रात को मुझसे पूछा कि पापा ये कैसे उड़ते हैं. तो मैंने कहा मुझे नहीं पता. तो कहती पापा मुझे दिखा सकते हो ये जहाज? मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ. तो मैंने कोशिश की तो वो कोशिश मेरी कामयाब हुई. तो मैं वहाँ करनाल में, करनाल फ्लाइंग क्लब है जहाँ ट्रेनिंग देते हैं जहाज उड़ाने की, तो वहाँ उनको ले गया, उसके भाई को भी साथ ले गया. तो वहाँ जाके उसने जब जहाज देखा तो इतनी एक्साइटेड हुई कि वो कैप्टन से सवाल करती है कि ये अंदर कैसे उड़ता है. कितने साल की थी उस टाइम? तीन साल की थी. तो पहली बार जो फ्लाइट में बैठी तो कितने साल की थी? उसी दिन ही मैं बता रहा हूँ, 3.5 साल की थी. अच्छा. जब उसके सवाल इतने ज़्यादा कर दिए कैप्टन साहब को तो वो बड़े खुश हो गया. तो कहते हैं चलो आपके सारे सवालों का जवाब मैं दिखाता हूँ, देखता हूँ. तो हमें उसने बैठा के तो जहाज उड़ा के तो करनाल के ऊपर उसको सैर करवा. तो वो पहला दिन था जिस दिन हमने पहली बार जहाज में बैठ के सैर किया. और आपको जो ऐसी लड़की है जो इतनी मतलब अपने सवालों के जवाब चाहती है, जिसको चाहिए उसको जो चाहिए, उस लड़की को केजी में एडमिशन मना कर दिया गया था उसके नाम की वजह से. उसका नाम कल्पना नहीं था उस टाइम पे. नहीं, उसका नाम तो मांटू कहते थे. क्यों कहते थे उसको मांटू सर? मांटू तो घर का नाम था, जब नाम उसका रखा नहीं था. अच्छा. तो मोंटू रखने के पीछे कोई कहानी है कि बस ऐसे ही? कोई कहानी नहीं. उसकी बहन गई बड़ी उसके साथ, तो
स्कूल मास्टर ने पूछा कि इसका नाम बताओ, तो नाम को हमने मांटू रखा हुआ था, तो नाम मांटू बोला, तो वो कहते हैं नहीं मेरा नाम मांटू नहीं है। तो तीन नाम उन्होंने सजेस्ट किए कि ये नाम, कहते हैं मेरा नाम ये रख लो कल्पना। अच्छा, तो उसने चूज किया अपना नाम, अपने चूज। ये तो वन ऑफ अ काइंड ही है, क्योंकि उसने लड़को, हमारे को चॉइस नहीं होती अपने नामों की, उसको शुरू से ही चॉइस थी, मतलब अपनी चीजें चूज करने की। वाह, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी। अच्छा, एक आपके बारे में भी शायद, ये आपकी बेटी ने शायद काफी चीजें आपसे ही सीखी हैं जाने अनजाने में, एक फाइटर होना, एक अचीवर होना। मतलब आपने जब चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करी, आपने पहली ऐसी कंपनी और फैक्ट्री आप कह लीजिए जो टायर्स की खोली इंडिया में, जो इंडिया में उससे पहले इंपोर्ट होते थे। आपका स्कूटर घर अब हुआ था जिसकी वजह से आपको टायर नहीं मिला था, और आपने डिसाइड किया मैं खुद ही फैक्ट्री खोल लूंगा टायर की। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे पास एक टू व्हीलर स्कूटर था सेकेंड हैंड, और उसका टायर फट गया था, तो टायर मैं मार्केट में लेने गया, टायर नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से घूम घूम के, फिर के मैं सारा दिन घूमता रहा, कहीं नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मैंने किसी को ऑर्डर दे दिया कि भाई आप मुझे मंगवा के दे दो। उसने भी एक महीने के बाद पैसे वापस कर दिए कि टायर नहीं मिल गया। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसको बदल लूँ, और क्यों ना टायर बना लूँ। मैं काम कपड़ा बेचने का करता था, मेरे पास बिजनेस का एक्सक्लूसिव शोरूम था, बहुत बढ़िया कपड़ा था उस मिल का। बिजनेस जो थी वो फॉरेन की कंपनी है, उनका एक्सक्लूसिव शोरूम था। तो मैंने सोचा पैसे दे के कपड़ा लाते हैं फिर बेचते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं, तो ये तो एडवांस पैसे दे के आओ तो टायर मिलता है, तो भी नहीं मिलता। तो फिर मैंने इस लाइन को बनाने के लिए सोचा, तो दो तीन साल चार साल में लगा रहा, और कोई नहीं मानता था। बैंक ने लोन रिफ्यूज कर दिया था देने को कि ये नहीं बन सकते और आप इस काम को मत करिए, आपको लोन नहीं हम देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैं दो साल लगा रहा तो फेल रहा, फिर मैंने छोड़ के तो फिर दोबारा कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। फिर एक साल में मेरे पास फिर एनर्जी आ गई, अगले साल फिर मैं शुरू कर दिया। इस तरह करते करते मैंने वो टायर बना लिया। तो जब मैंने वो टायर बना लिया तो मैं पहला एशिया में पहला आदमी था जो टायर बनाता था, और मेरे इस कंट्री में 24 ऑफिस थे, सेल ऑफिस। तो भी पता चलता है कि कल्पना चावला के अंदर जो ये हिम्मत, मेहनत और ये सब आई है, वो एक्चुअली कहाँ से आई है। कल्पना ने भी मेरी बड़ी मदद की, उन दिनों वो अमेरिका पहुंची हुई थी और वहाँ पढ़ रही थी। अच्छा, अभी पढ़ रही थी। अच्छा। तो मैं अभी हर महीने पहुंच जाता था वहाँ। अच्छा। तो मैं उसको कहता था कि बेटे मुझे ये कुछ समझाओ, तो कई बार तो बड़ी खुशी से समझाती थी, और कई बार एक दिन उसने कहा मुझे, पापा आप रोज आ जाते हो, मुझे पढ़ने नहीं देते, मैं अपना काम छोड़ के आपको पढ़ाती रहती हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा तू मेरी टीचर है, तो तेरा स्टूडेंट अगर फेल हो गया तो तुझे कितना अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे वो बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ाती थी, समझाती थी, लिख के भी बोल के भी, मुझे फिर वो इंस्ट्रक्ट करती थी कि आप इसको इस तरह याद रखिए और इस तरह अंजाम करेंगे। So that's the woman behind a successful man, कह लीजिए। हाँ? और फिर वो उसने एक नासा को इंटरव्यू दी हुई है कि मेरा बाप जो है वो पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो इंजीनियर से भी इंजीनियर।